कैसे आया भीम में 10,000 हाथियों का बल? भीम और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा बचपन से आरंभ हो गई थी। हालांकि दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे, किंतु भीम के मन में दुष्टता नहीं थी और उनकी संकल्प शक्ति भी अधिक थी। यही कारण था कि भीम बचपन में दुर्योधन सहित सभी कौरवों को परास्त कर दिया करते थे। वैसे तो भीम के लिए एक केवल एक खेल था, किंतु दुर्योधन और अन्य कौरवों के मन में भीम के प्रति वैमनस्य आ गया। वैसे ही दुर्योधन भीम से घृणा करता था और उसके ऊपर से उसके मामा शकुनी सदैव उसे पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। शकुनी और दुर्योधन दोनों जानते थे कि पांडवों का वास्तविक बल भीम ही है और यदि भीम ना रहे तो बाकी भाइयों से निपटना उनके लिए बड़ा सहज होगा। इसी विचार से दुर्योधन के मन में भीम की हत्या का विचार आया। भूख सदा भीम की दुर्बलता थी, इसी का लाभ उठाते हुए शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने भीम के लिए खीर बनवाई और उसमें विष मिलाकर उसे खिला दिया। उस घोर विष से भीम अचेत हो गए। तब दुर्योधन और शकुनी ने भीम को लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया और उसे मरा हुआ समझकर यूं वापस हस्तिनापुर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर लताओं से बंधे अचेत भीम गंगा के तल तक पहुंच गए जहां नागों का निवास था। जब उन्होंने एक बालक को यूं पड़ा पाया तो उसे काट लिया। इस प्रकार नागों के विष ने भीम के शरीर के विष को कम कर दिया और वह होश में आ गए। फिर क्या था, क्रोधित भीम ने लताओं को तोड़ दिया और वहां नागों को मारना आरंभ कर दिया। इससे घबराकर नाग वहां से भागकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे। जब नागराज वासुकी ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जो इतनी कम आयु में ही इतने नागों को परास्त कर रहा है। वह अपने मंत्री आर्य के साथ द्वार पर आए और भीम से उसका परिचय पूछा। तब भीम ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वह कुंती पुत्र हैं। ये सुनकर आर्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह भीम के नाना सूरसेन के नाना थे। उन्होंने ये बात भीम को बताई और उसे अपने साथ नागलोक ले गए। भीम की वीरता से वासुकी इतने प्रसन्न हुए कि वह भीम को सोमरस के एक कुंड के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस एक कुंड में 10,000 हाथियों का बल है, तुम इसमें से जितना सोमरस पी सको पी लो। किंतु नागराज वासुकी को मृगोदर भीम की क्षुधा के बारे में पता नहीं था। भीम बात ही बात में उस कुंड का सारा रस पी गए। उस कुंड का रस पीने के बाद भीम ने उनसे और रस मांगा। तब वासुकी उन्हें एक एक करके वहां अन्य 7 कुंडों के पास ले गए और भीम ने उन 7 कुंडों का रस भी पी लिया। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर भीम सो गए और लगातार 8 दिनों तक सोते रहे। जब 8वें दिन वह उठे तो उन्हें अपनी माता और भाइयों की याद आई और फिर वह नागराज वासुकी और अपने नाना के नाना आर्यक से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर लौट आए। भीम को वापस आया देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। भीम ने कुंती और विदुर को सारी बात बताई, किंतु उस समय विदुर और युधिष्ठिर ने उन्हें ये बात किसी को न बताने की सलाह दी ताकि परिवार में वह मनुष्य और न बढ़े। भीम ने दुर्योधन वाली बात तो किसी को नहीं बताई, किंतु उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार नागलोक के दिव्य रस के 8 कुंड पीने से उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। दुर्योधन इससे बड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसने जो किया उससे भीम का तो कोई अहित नहीं हुआ, उल्टे वह कई गुणा शक्तिशाली बनकर लौटे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन सदा से ये जानता था कि अब वो शक्ति में तो भीम के आगे नहीं टिक सकता। यही कारण था कि उसने बचपन से ही अपने गदा युद्ध के कौशल पर विशेष ध्यान दिया।
यही नहीं, पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय उसने भीम की लौह प्रतिमा बनवाकर उस पर 13 वर्ष गदा युद्ध का अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त उसे बलराम जैसे गुरु भी मिले जिन्होंने उसे गदा युद्ध में पारंगत कर दिया, किंतु फिर भी अधर्म के पक्ष में होने के कारण अंततः भीम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।